जी सम्राट चौधरी को आप कैसे देखते हैं, वो इस्तीफा मांग रहे हैं? सर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भैया, मूर्ख दोस्त से अच्छा बुद्धिमान दुश्मन। मायावती और असदुद्दीन ओवैसी का अलायंस होने वाला है 2024 इलेक्शन में। ए भैया एक बात बोले, बुरा नहीं मानिए, सबको अधिकार है अपनी राजनीति करने का, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि कुछ व्यक्ति और दल के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया है, वह बीजेपी के दूध मिश्री के साथ है। बेरोजगारों की आवाज कौन है? जन अधिकार युवा परिषद सभी प्रकोष्ठ के साथ पीछे की बैठक, जिलाध्यक्ष युवा परिषद की और युवा परिषद के पदाधिकारी की बैठक थी, जिसमें हमारे सारे नेता यहाँ मौजूद थे। जिलावार एक निर्णय लिया गया कि अविलंब चुनाव के पहले तक बिहार प्रमंडल वाइज बिहार के हर प्रमंडल में जाकर पहले युवा सम्मेलन संवाद को कि जनाधिकार पार्टी की भूमिका, जो आज देश में नफरत है, देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश में जिस तरीके से महात्मा गांधी और गोडसे के बीच में कोई फर्क नहीं रहने दिया जा रहा है, गोडसेवादी लोग लगातार महात्मा गांधी पर हमला कर रहे हैं, अम्बेडकरवादी सोच पर हमला हो रही है, अब हनुमान से रावण को गाली दिलवाया जा रहा है, लगातार पिक्चर के माध्यम से नफरत पैदा किया जा रहा है, लगातार उन्माद पैदा हिंदुस्तान में 9 महीने चुनाव के बाद करने की तैयारी हो रही है, चाहिए इस पर कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए हम सम्मेलन संवाद के द्वारा सभी जगह सभी साथियों को लैस करेंगे कि आज बेरोजगारों की आवाज कौन है। जन अधिकार युवा परिषद, जन अधिकार छात्र परिषद, बेरोजगारों की लड़ाई कौन लड़ेगा, आम आदमी की आवाज कौन बनेगा, संघर्ष के एक मजबूत दायक कौन होंगे, युवा परिषद। इसीलिए बहुत क्लियर है, हम फिर उस बात को दोहराते हैं कि जन अधिकार पार्टी और जन अधिकार पार्टी के विंग जो युवा से लेकर, युवा शक्ति से लेकर, छात्र से लेकर, ब्रिगेड से लेकर, सबका एक ही पथ है, कंप्लीट रूप से मजबूत संघर्ष के साथ बिना जाति धर्म मजहब के आम आदमी को जन अधिकार पार्टी से जोड़ना, आम आदमी की युवा के नेतृत्व आवाज बनना। आज एक मजबूत निर्णय के साथ हम इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो आबादी है यूथ, और उसमें जो बिहार सबसे बड़ी आबादी है, उस यूथ की आवाज के लिए एक परिषद के द्वारा सम्मेलन बजाते टाइम टेबल देकर के किया गया, जिसको आपको अभी हमारे युवा परिषद के अध्यक्ष दे देंगे। हम चाहते हैं कि 9 महीने चुनाव के पहले हम लोग एक मजबूत संगठन के साथ अपनी भूमिका बिहार के संदर्भ में तय करें और अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी विपक्षीय भूमिका में हम देखेंगे कि हमारे साथ उनका व्यवहार, उनका प्रेम किस तरीके का है। इसीलिए आज यह बैठक इसी तरह के इतने संकल्प के लिए बुलाए गए। देखिए आज तो युवा परिषद की बैठक थी और इसके लिए संवाद सम्मेलन और बिहार में जो रोजगार की चर्चा देश में नहीं है, नरेंद्र मोदी के द्वारा खत्म किया जा रहा है, उसको लेकर के हम, और जिस तरीके से नफरत के बाजार में जाति धर्म मजहब को अलग अलग किया जा रहा है, तो उनके दिलों से जुड़ने का, उनको जोड़ने का जो पप्पू यादव का प्रयास है, वो युवा परिषद दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम गठबंधन के हिस्सा। वैसे तो मैं आपको बता दूं, हमारी विचारधारा कांग्रेस और महागठबंधन की विचारधारा के साथ हमेशा स्टैंड बाय रही है, हम हमेशा लगातार प्रयास करते हैं उनकी विचारधारा को प्रोटेक्ट करने का, तय उनको करना है, लेकिन समय पर आपको गठबंधन का पता चल जाए। बीजेपी उसे इस्तीफा मांग रही है, बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन बने हुए इतने 6 महीने हो गए, 10 लाख युवाओं को नौकरी मिल गई, अगर भाजपा से ऑफर आएगा तो क्या कीजिएगा? नौकरी मिल गया क्या? 2 करोड़ को नौकरी मिल गया क्या? सिलेंडर 1300 रुपया से नीचे हो गया क्या? राहर और चप्पल का दाम फर गया क्या? हिंदुस्तान में किसानों की
को जो वादा किया गया था मिल गया क्या? हिंदुस्तानों में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की इज्जत बच गई क्या? हिंदुस्तानों में नफरत का आधार रुक गया क्या? हिंदुस्तानों की इकोनॉमी बच गई क्या? बिहार वाला वादा भी तो बताइए ना। तो सर बिहार वाला वादा का प्रयास तो जारी है ही, लगातार प्रयास कर ही रहे। 2 लाख की बात आई है, प्रयास तो लगातार जारी है। अब एक ही अलाउद्दीन के चिराग तो है नहीं, फर्क तो लगेगा। ये इतने जल्दी 10 लाख एक दिन में तो नौकरी है, 1 साल 2 साल में 10 लाख नौकरी संभव नहीं है, इसको आप समझ लें। सम्राट चौधरी को आप कैसे देखते हैं, वो इस्तीफा मांग रहे हैं? सर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भैया, मूर्ख दोस्त से अच्छा बुद्धिमान दुश्मन। मायावती और असदुद्दीन ओवैसी का अलग बनने वाला है। मायावती और असदुद्दीन ओवैसी का एक अलग अलायंस बनने वाला है सर। बस सर आप आकाश पर कोई थूक फेंकते रहे, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, ऊंट बैठी हो जाएगा तो कुत्ता से ऊंचे न होगा, कौन क्या बोलता? मायावती और असदुद्दीन ओवैसी का अलग। मैं अपने लोगों को गाली गलौज किसी भी सम्मानित लोगों को नहीं कर रहा। राजनीति में भाषा की मर्यादा खत्म होते जा रही है सर। सब नरेंद्र मोदी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो मोदी जी और अमित शाह के फैक्ट्री में क्या सीखेंगे, गिरिराज के फैक्ट्री में गाली गलौज ही ना क्या सीखेंगे? अगर बीजेपी से सर समझ में नहीं आता है। सर अच्छी बात है, सबका नजर हम पर रहना चाहिए, हम सुंदर है तो नजर। किसी का अलायंस होने वाला है मायावती और असदुद्दीन ओवैसी का अलायंस होने वाला है 2024 इलेक्शन में। ए भैया एक बात बोले, बुरा नहीं मानिए, सबको अधिकार है अपनी राजनीति करने का, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि कुछ व्यक्ति और दल के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया है, वो बीजेपी के दूध मिश्री के साथ है। सर एक सवाल है, आप पप्पू यादव कहने का मतलब बीजेपी बीजेपी में बीजेपी का? सर आप हमको पप्पू यादव जी करवा दीजिए, आज मिल लेंगे पप्पू यादव जी। सर हम सब 23 तारीख बैठक में बुलाया गया, 23 के बाद देश की बैठक। एक बात बताइए, हम कटोरा लेके भीख मांगे? अरे बुलाएंगे वही ना, हम तो पहले कह चुके हैं कि हम रंक हैं, वो लोग राजा हैं, हमारी औकात के मुताबिक ही ना हम बात करेंगे। लेकिन 23 के बाद आप मिलने जाएंगे? सर उनके घर में शादी है तो कार्ड वो ना भेजेंगे। लालू जी से तो पारिवारिक रिलेशन था। महागठबंधन की विपक्ष की बात करें तो महागठबंधन अच्छी विपक्षीय एकता कर रहा है। हम